1913 में आज ही के दिन मशहूर तिलिस्मी लेखक देवकीनंदन खत्री का निधन हुआ था। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके उपन्यास चंद्रकांता ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अहम योगदान दिया। 1898 में खत्री ने अपना निजी प्रेस खोला, जिसका नाम लहरी प्रेस रखा। देवकीनंदन ने उपन्यासों में कई अय्यारों और पात्रों के नाम अपने दोस्तों के नाम पर रखे। इस तरह से उन्होंने अपने कई घनिष्ठ मित्रों और संगी साथियों को अपनी रचनाओं से अमर बना दिया। 1932 में आज एक दिन बॉलीवुड में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से पुकारी जाने वाली मीना कुमारी का जन्म हुआ था। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था। 1939 में बतौर बाल कलाकार मीना कुमारी ने विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस से अपने करियर की शुरुआत की थी। बॉलीवुड में अपनी पहचान तलाशती मीना कुमारी ने लगभग 10 वर्षों तक संघर्ष किया। इस बीच इन्होंने वीर घटोत्कच और श्री गणेश महिमा जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं रही। 1952 में मीना को विजय भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म बैजू बावरा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म की सफलता के बाद मीना बतौर अभिनेत्री फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में सफल रहीं। फूल और पत्थर, साहेब बीवी और गुलाम, परिणीता, पाकीजा, दिल एक मंदिर, बंधन आदि इनकी नायाब फिल्में हैं। मीना कुमारी को 4 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार सम्मान से नवाजा गया। 1944 में आज एक दिन पोलैंड की सेना ने वॉर्सो को आज़ाद कराने के लिए जर्मनी के साथ युद्ध की शुरुआत की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर वॉर्सो पहली यूरोपीय राजधानी थी, जिस पर 5 साल पहले जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। रूस की लाल सेना के लगातार हमलों की वजह से जर्मनी को पिछले कुछ महीनों में बेलारूस और पश्चिमी पोलैंड से हटना पड़ा था। पहले दिन की लड़ाई में ही वॉर्सो के कई महत्वपूर्ण इलाकों पर पोलैंड का अधिकार हो गया था। गैस, बिजली और जलापूर्ति सेवाएं पोलैंड के नियंत्रण में आ गई थी। इस लड़ाई में पोलैंड के लगभग 2000 और जर्मनी के लगभग 500 लोग मारे गए थे। 1960 में आज एक दिन पाकिस्तान की राजधानी कराची की जगह इस्लामाबाद को देश की नई राजधानी बनाए जाने का ऐलान किया गया। विभाजन के बाद जब पाकिस्तान बना तो कराची को राजधानी बनाने की कई वजह थी। बड़ा होने के अलावा शहर से लगा बंदरगाह, जो व्यापार के लिए भी अहम था, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था। देश की राजधानी होने के नाते कला और संस्कृति से लैस होने के अलावा राजधानी के लिए ऐसा शहर चाहिए था जहाँ कार्यालयों के लिए पर्याप्त इमारतें और नई इमारतों के लिए जगह भी हो। 1969 में राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के नेतृत्व में रावलपिंडी के पास के इलाके को राजधानी के लिए चुना गया, जिसका नाम इस्लामाबाद रखा गया। 1960 में ग्रीस के वास्तुकार कोस्टांटिनोस ए डॉक्सियाडिस ने इस्लामाबाद का एक आधुनिक शहर के रूप में नक्शा तैयार किया। जब तक नई राजधानी तैयार नहीं हुई थी, रावलपिंडी को अस्थायी राजधानी बना दिया गया। और सन 2000 में मशहूर साहित्यकार अली सरदार जाफरी का निधन हुआ था। अपने चिंतन की वजह से सरदार का झुकाव वामपंथी राजनीति की ओर हुआ और वो कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। राजनीतिक उठापटक का नतीजा ये हुआ कि इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। परवाज, नई दुनिया को सलाम, खून की लकीर, अमन का सितारा, एशिया जाग उठा, पत्थर की दीवार, मेरा सफर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें पद्मश्री, ज्ञानपीठ पुरस्कार, रूसी सोवियत लैंड नेहरू सम्मान सहित कई अन्य सम्मानों से नवाजा गया।